मित्रों, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आर्ट एरिना कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। आपको बताते चलेंगे, प्रेमनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक आर्ट एरिना कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया, तो आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं प्रेमनगर इलाके में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के कार्यालय भारत सेवा ट्रस्ट के पास स्थित श्री कृष्ण लील कॉम्प्लेक्स में सुबह आग लगना बताया जा रहा है। सुबह लोगों में एक दुकान से धुआं निकलते देखा, मौके पर भीड़ जुट गई। इसकी सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना पर प्रेमनगर पुलिस व दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन दमकल की कई गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। आइए बताते हैं इसमें चंद्रमोहन CFO और डॉक्टर अरुण कुमार शहर विधायक ने क्या कहा। देखिए, 6 बजे के आसपास हम लोगों को मतलब सूचना मिली थी कि यहाँ पर जो आग लगी हुई है, ये आर्ट गैलरी जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पे भी जो है आर्ट गैलरी है मैक्सिमम जो है, तो इसमें आग लगी थी। तो हमारे जो है 6 से 7 फायर टेंडर जो है हमने यहाँ पर लगाए हैं और 3-4 तरफ से जो है मतलब अप्रोच किया है। तब आग बुझी तो 3.5-3 घंटे के आसपास मतलब लगे हैं इसको करने के लिए। अब क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण दुकानें बंद हैं, आप लोगों को बताया, अब तो धीरे धीरे दुकानें खुल रही हैं। तो अब इसके क्या कारण रहे हैं तो अभी देखने के बाद ही थोड़ा अभी एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाए साइड जो है, तो एक बार इंस्पेक्शन कर लेते हैं, फिर पता चलेगा कि क्या कारण रहा है उसको देखने का। पर इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत जो इनका लॉस हुआ है, जो सामान वगैरह रखा हुआ था, तो उनकी लॉस का आकलन जो है वो खुद ही मालिक करके बताएंगे मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। यहाँ पर आग कैसे लगी ये तो अभी जांच का विषय है, लेकिन आग करीब 5:30 बजे करीब यहाँ पर धुआं उठते हुए देखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा एक पार्टी का कार्यकर्ता जो RSS का भी कार्यकर्ता है, उसने सबसे पहले यहाँ देखा और उसने शोर मचाना शुरू किया, लोगों को सूचना दी। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, फायर ब्रिगेड के लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किया और इस आग पर काबू पाया। आग बहुत ही विशाल थी, बहुत विकराल रूप लिए हुए थी, और मैं अपने फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों का और उनको सूचना देने वाले अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे, जिन्होंने उनका पूरा सहयोग किया। पुलिस आई, उसने भी बहुत मदद किया, प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहा और आग पर अब लगभग काबू हो गया है। लेकिन ये आग थी बहुत भीषण विकराल, जांच के बाद ही पता लगेगा किस कारण से आग लगी। ये तो मालिकान ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख आपके हौसलों को, दिखाते हैं राह उज्जवल भविष्य की, हम रखते हैं अरमानों की नींव, नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।